इंडिया के अंदर सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज का सेगमेंट बड़े ही तेजी में है। इसे देखते हुए किया, रेनॉल्ट और निसान ने अपनी दमदार कारों को लॉन्च भी किया और आने वाले समय में हमें इस सेगमेंट में कई सारी गाड़ियां देखने मिलेंगी। पर भले ही इस सेगमेंट में कितनी भी कारें आए और जाए, पर जो क्रेज टाटा निक्सॉन और एक्सयूवी 300 की थी वो आज भी वैसी ही है। भले ही टाटा निक्सॉन और एक्सयूवी 300 की सेल्स सेगमेंट की टॉप सेलिंग गाड़ियों से कम होती हो, पर इन गाड़ियों ने जो इतिहास रचा था उसे कोई भुला नहीं सकता। तो आज के इस वीडियो में हम टाटा की निक्सॉन और महिंद्रा के एक्सयूवी 300 को कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस की बात करें तो निक्सॉन की लेंथ है 3993 mm की, जो 2 mm कम है 3995 mm के एक्सयूवी 300 के लेंथ से। निक्सॉन की विड्थ है 1811 mm की, जो 10 mm कम है एक्सयूवी 300 के विड्थ से। निक्सॉन की हाइट है 1606 mm की, जो 21 mm कम है 1627 mm के हाइट से। निक्सॉन का व्हीलबेस है 2498 mm का, जो कि 102 mm कम है एक्सयूवी 300 के 2600 mm के व्हीलबेस से। इन डायमेंशन से तो हमें साफ साफ नज़र आता है कि कौन सी गाड़ी बड़ी है। एक्सयूवी 300 न केवल लंबी है, चौड़ी है, ऊंची है, बल्कि व्हीलबेस भी सेगमेंट में बड़ा है। एक्सयूवी 300 के थोड़े से ज़्यादा विड्थ के कारण यहाँ पर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। वहीं पर निक्सॉन में भी 3 लोग बैठ सकते हैं। बस इन दोनों भी गाड़ियों को देखने पर एक्सयूवी 300 थोड़ी ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। निक्सॉन के सेकंड रो में एसीवेंट्स के कारण कंफर्ट और भी बढ़ जाता है, जबकि एक्सयूवी 300 के सेकंड रो में एसीवेंट्स नहीं मिलते, जो कि इसका बड़ा निगेटिव पॉइंट है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो निक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस है 209 mm का, जो 29 mm एक्सयूवी 300 के 180 mm के ग्राउंड क्लियरेंस से। दोनों भी गाड़ियों के बूट को अगर कंपेयर करें तो निक्सॉन का बूट स्पेस है 350 liters का, जो 93 liters ज़्यादा है एक्सयूवी 300 के 257 liters के बूट स्पेस से। यहाँ पर एक्सयूवी 300 फिर से पीछे रह जाती है, क्योंकि सेगमेंट में सभी गाड़ियों का बूट स्पेस 300 लीटर के ऊपर है। एक्सयूवी का बूट स्पेस सेगमेंट में कम है। टायर ऑप्शन की अगर बात करें तो दोनों भी गाड़ियों में 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉयज मिल पाते हैं। साथ ही निक्सॉन का टर्निंग रेडियस है 5.1 मीटर का, जो कि 0.2 मीटर कम है एक्सयूवी 300 के 5.3 मीटर के टर्निंग रेडियस से। जिन लोगों को पता नहीं है कि टर्निंग रेडियस क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि टर्निंग रेडियस यानी कि दरअसल ये वो रेडियस होता है जिससे कि आप आपके गाड़ी को कितनी कम जगह में मोड़ सकते हो। दरअसल ये रेडियस जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। दोनों भी गाड़ियों के कर्व वेट को अगर कंपेयर करें तो निक्सॉन का कर्व वेट है 1305 kg का, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है एक्सयूवी के कर्व वेट से। दोनों भी गाड़ियों के कर्व वेट से इनके सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा आता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी को अगर कंपेयर करें तो निक्सॉन की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 44 liters की, जो 2 liter ज़्यादा है एक्सयूवी 300 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। निक्सॉन की टॉप स्पीड है 180 km/h की, साथ ही एक्सयूवी 300 की टॉप स्पीड है 160 km/h की। अब अगर दोनों भी गाड़ियों के इंजन के बारे में अगर बात करें तो निक्सॉन में मिलते हैं 2 इंजन ऑप्शंस, 1.2 लीटर रिवोटर्नो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के ऑप्शंस। वहीं पर दूसरी तरफ एक्सयूवी की बात करें तो इस गाड़ी में भी 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। गाड़ी के दोनों भी इंजन ऑप्शंस रिफाइंड है, जिनमें टर्बो लैग निग्लिजिबल है। साथ ही दोनों भी इंजन बेहतरीन टॉर्क आउटपुट प्रदान करते हैं। सबसे पहले निक्सॉन के 1.5 लीटर डीजल को कंपेयर करें एक्सयूवी 300 के 1.5 लीटर डीजल से, तो निक्सॉन का 1.5 लीटर डीजल 108 bhp की पावर निकाल कर देता है, जो 7 bhp कम है एक्सयूवी के पावर से। साथ ही निक्सॉन का यह इंजन 216 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो 14 न्यूटन मीटर कम है एक्सयूवी 300 के 1.5 लीटर डीजल इंजन से। टाटा मोटर्स ने अपने 1.5 लीटर डीजल को अपडेट किया है। गाड़ी के बेसिक्स नॉर्म्स के साथ इस गाड़ी में नोटिसेबल चेंजेस हुए हैं। इस इंजन की फ्यूल इकोनॉमी है 22.4 kmpl की, जो कि बहुत ही बढ़िया है। हाईवेज पर ओवरटेकिंग के समय आपको पावर लैग नहीं महसूस होता। साथ ही गाड़ी का यह डीजल इंजन फन टू ड्राइव है, इसकी एनवेज लेवल भी कम है। अब अगर निक्सॉन के 1.2 लीटर रिवोटर्नो टर्बो पेट्रोल को कंपेयर करें एक्सयूवी 300 के टर्बो पेट्रोल से, तो निक्सॉन का टर्बो पेट्रोल 118 bhp की पावर निकाल कर देता है, जो कि 9 bhp ज़्यादा है एक्सयूवी 300 के 109 bhp के पावर से। निक्सॉन का इंजन 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो 30 न्यूटन मीटर कम है एक्सयूवी के 200 न्यूटन मीटर के टॉर्क से। इन दोनों भी इंजन्स में 3 सिलेंडर ही मिलते हैं,
इन दोनों भी गाड़ियों में मैनुअल के साथ AMT भी मिल पाता है। गाड़ी के फीचर्स की अगर बात करें, सबसे पहले बात करें नेक्सॉन की, तो टाटा के इंजीनियर्स ने गाड़ी के कंफर्ट के ऊपर और फीचर्स के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। गाड़ी का केबिन फीचर्स लोडेड लगता है। गाड़ी के टॉप स्पेक ट्रिम तक आपको इंटीरियर प्रीमियम लगता है। गाड़ी के टॉप ट्रिम्स तक आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, LED टेल लैम्प्स, इंजन पुश बटन, कीलेस एंट्री, टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम विथ एप्पल कनेक्टिविटी एंड एंड्रॉयड ऑटो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सनरूफ जैसे फीचर्स। साथ ही इस गाड़ी में कुछ एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे आयरा कनेक्ट, फाइंड माई कार, व्हीकल क्रैश नोटिफिकेशन, वॉइस कमांड्स जैसे फीचर्स। वहीं पर अगर XUV 300 के फीचर्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर टॉप वेरियंट्स तक आपको मिलते हैं इलेक्ट्रिक सनरूफ, मल्टी मोड स्टेयरिंग व्हील, लेदर अपल स्टोरी, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, एटोडिमिंग IRVMs, हीटेड मिरर्स, मूड लाइटिंग, 7 inches इन्फोटेनमेंट सिस्टम विथ एप्पल कनेक्टिविटी एंड एंड्रॉयड ऑटो, टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लूसेंस ऐप जैसे फीचर्स। इन दोनों भी गाड़ियों के सेफ्टी के ऊपर अगर बात करें, तो टाटा मोटर्स अब अपने बेहतरीन सेफ्टी के लिए जाना जाता है। इसकी शुरुआत नेक्सॉन के साथ ही हुई थी। गाड़ी में सेगमेंट की बेस्ट सेफ्टी मिलती है। बेस वेरिएंट से ही आपको ABS+EBD, ब्रेक असिस्ट, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ESC, आइसोफिक्स, हिल असिस्ट, प्री डिटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट्स जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। अब ये तो हमें पता है ही कि ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट में नेक्सॉन ने 5 out of 5 stars स्कोर किए थे। ठीक वैसे ही XUV 300 के सेफ्टी के बारे में अगर बात करें, तो ग्लोबल NCAP के मुताबिक XUV 300 सेफ्टी का एक परफेक्ट उदाहरण है, जिसकी वजह से XUV 300 मेड इन इंडिया सेफेस्ट कार बन गई है। और तो और, गाड़ी के बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स की वजह से गाड़ी की सेफ्टी और भी इन्हांस हो जाती है। सेगमेंट में सिर्फ XUV 300 में ही 4 wheels डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, वो भी स्टैंडर्ड, यानी आप इस गाड़ी का कौन सा भी वेरियंट क्यों ना खरीदें। गाड़ी में 7 एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, ABS+EBD, साइड कर्टन एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के बारे में दोनों भी गाड़ियां एक से बढ़कर एक है। गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग के ऊपर बात करी जाए, तो सबसे पहले बात करें XUV 300 की, तो गाड़ी का व्हील बेस लंबा है, और इसी लंबे व्हील बेस की वजह से गाड़ी रोड पर पकड़ अपनी बनाकर चलती है। गाड़ी का लंबा व्हील बेस स्टेबिलिटी देता है, और गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप कमांडेबल राइड और बैलेंस देता है। गाड़ी की राइड क्वालिटी सेगमेंट में बेस्ट है। साथ ही गाड़ी का मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील बेटर कंट्रोल देता है, जो डिफरेंट कंडीशंस के अनुसार अच्छा है। गाड़ी की ड्राइविंग हार्डकोर है, पर बेहतर है। गाड़ी में आपको SUV टाइप का कमांडिंग व्यू मिलता है। ओवरऑल गाड़ी एक SUV जैसी है, और ऐसा एहसास भी होता है। वहीं पर नेक्सॉन की बात करें, अब टाटा की नई कारें राइड एंड हैंडलिंग के ऊपर एक नए बेंचमार्क सेट करने लगी है। टाटा की गाड़ियों की राइड क्वालिटी अब बेहतर हो गई है। इन्होंने गाड़ी के सस्पेंशन में कई सारे चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से अनप्रेडिक्टेबल रोड कंडीशंस में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। राइड क्वालिटी की वजह से गाड़ी के अंदर का कंफर्ट भी बढ़ता है। साथ ही गाड़ी के 209mm के ग्राउंड क्लियरेंस और 60 inches के अलॉय व्हील्स की वजह से गाड़ी बहुत ही ऊंची हो गई है। नेक्सॉन का स्टीयरिंग व्हील अब बेटर फील और इम्प्रेसिव फीडबैक देता है। गाड़ी चलाते वक्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। लुक्स के बारे में बात करी जाए, तो 2020 के फेसलिफ्ट के बाद अब टाटा की नेक्सॉन हैंडसम हो गई है। प्री फेसलिफ्टेड गाड़ी के लुक्स कुछ इतने बेहतर नहीं थे, पर फेसलिफ्ट के बाद अब गाड़ी के लुक्स प्रैक्टिकल दिखने लगे हैं। गाड़ी के हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, हनीकॉम मेश पैटर्न ग्रिल में बड़े चेंजेस हुए हैं। गाड़ी के नए अलॉयज गाड़ी को स्टनिंग लुक देते हैं। साथ ही गाड़ी के फ्रंट लुक्स सेगमेंट के बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में अच्छे हैं। पर जितनी गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल अच्छी लगती है, उतनी गाड़ी की रियर प्रोफाइल नहीं लगती। यहाँ पर पीछे का लुक इतना अच्छा नहीं लगता। XUV 300 के बारे में अगर बात करी जाए, तो इस गाड़ी के लुक सामने से तो बहुत अट्रैक्टिव है। हेडलैम्प्स, DRLs और फॉग लैम्प्स गाड़ी को आगे से शार्प बनाते हैं। सामने का ग्रिल दोनों भी हेडलैम्प्स को कनेक्ट करते हुए एंग्री लुक देते हैं। फ्रंट में पैरेलल स्ट्रिप बम्पर पर स्किड प्लेट के साथ एग्रेसिव लुक है। साइड से देखा जाए तो गाड़ी में आते हैं 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉयज। साथ ही यहाँ पर ORVMs, रूफ रेल्स और व्हील आर्चेस गाड़ी को एक मस्कुलर लुक देते हैं। पर गाड़ी के रियर को देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी बहुत गड़बड़ी नजर आती है। पीछे के लुक्स नेक्सॉन के जैसे ही इतने अच्छे नहीं लगते।
जितने गाड़ी के फ्रंट लुक्स लगते हैं। ओवरऑल गाड़ी के लुक्स सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक है। दोनों भी गाड़ियों के प्राइजेस को अगर कंपेयर करें तो नेक्स्ट शोरूम प्राइजेस के हिसाब से 6.99 लाख से शुरू होकर 12.69 लाख तक मिल पाती है। ठीक वैसे ही XUV 300 7.94 लाख से शुरू होकर 12.29 लाख तक मिल पाती है। इन दोनों भी गाड़ियों के स्टार्टिंग प्राइजेस में 1 लाख का डिफरेंस है। XUV 300 को लॉन्च हुए 3 साल हो गए हैं, पर फिर भी महिंद्रा ने इसमें कुछ बड़े अपडेट्स नहीं दिए हैं। हमें टाटा के नेक्सॉन में अपडेट देखने मिले थे, साथ ही विटारा के ब्रेज़ा में भी अपडेट्स मिले थे, पर XUV 300 में काफ़ी लंबे समय से लेकर कुछ भी फेसिलिटेड मॉडल्स नहीं देखने मिले। ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी में हर कुछ मिलता है जिसकी ज़रूरत एक नॉर्मल यूज़र को होती है। गाड़ी फीचर्स लोडेड है, प्रैक्टिकल है और रगेड भी है, पर XUV 300 में एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ नेक्सॉन भी एक अच्छी गाड़ी है। डे टू डे यूजर्स के लिए नेक्सॉन एक बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। अगर आप इन दोनों भी गाड़ी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही। आप और कौन सी गाड़ियों के कंपैरिजन देखना पसंद करेंगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।